फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर पृथ्वी पटेल और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट के बारे में। क्या क्वालिटीज होती है फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट वाले पर्सन में, क्या उसके फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, क्या उसके मेंटल सिम्टम्स होते हैं, चलिए फ्रेंड्स हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट, फ्लेगमेटिक वर्ड का मीनिंग होता है स्लो, इट शोज स्लोनेस। तो फ्रेंड्स ये जो पर्सन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं, स्लगिस्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा लेजी होते हैं, बहुत ही ज्यादा वो हम कहते हैं ना टॉर्टोइस की तरह होते हैं। बोथ एट बोथ लेवल, मेंटल लेवल और फिजिकल लेवल, दोनों में बहुत ही ज्यादा वो स्लो होते हैं, दोनों जगह पे वो स्लो होते हैं। फिजिकली उनको काम करना पसंद नहीं है, फिजिकली उनको एक्टिव रहना पसंद है, वो बहुत ही ज्यादा स्लो, स्लगिस और इनएक्टिव और लेजी टाइप के होते हैं फिजिकली। फ्रेंड्स मेंटली भी वो स्लो होता है। जो कॉम्प्रिहेंशन पावर होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, कोई भी चीज वो फटाक से नहीं सीख लेते, उनको बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है कोई भी न्यू चीज सीखने में। उनका जो मेमोरी पावर होता है वो भी बहुत ही ज्यादा पुअर होता है, स्लो होता है, इसीलिए वो कांट रिमेम्बर, रिकॉल और रिकलेक्ट द थिंग्स, इसीलिए उनका एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता, वो बहुत ही ज्यादा पुअर और एवरेज स्टूडेंट होते हैं। दे आर नॉट गुड एट स्टडी, राइट, ओनली पासिंग मार्क्स आते हैं, वो बहुत ही ज्यादा रैंकर स्टूडेंट ऐसा नहीं होते। व्हाई? बिकॉज़ उनका जो कॉम्प्रिहेंशन पावर, लर्निंग पावर वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, वो मेंटली भी बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं, लर्न विद अ ग्रेट डिफिकल्टी। उनको एक चीज समझाने जाएंगे तो उनको वो समझने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, वो बहुत ही ज्यादा टाइम लेंगे कुछ भी नया सीखने में, कुछ भी नया लर्न करने में, उनका ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। इसीलिए जो फ्लेगमेटिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी होती है वो मेंटली बहुत ही ज्यादा स्लो होती है, स्लगिश होती है, लेजी होती है। लाइक जो हमने देखा, हम देखते हैं फिजिकली वो कैसे दिखते हैं और फिजिकली वो क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स फिजिकली दे अवॉइड एक्टिव लाइफ। फ्रेंड्स मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ टेम्परामेंट, सैंग्विन टेम्परामेंट, कोलेरिक टेम्परामेंट और नर्वस टेम्परामेंट में डिटेल में वीडियो बनाई है। फ्रेंड्स अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी एग्जाम के लिए अगर आप जो स्टूडेंट हो तो, और फ्रेंड्स आपको अंडरस्टैंड करने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि वो फिजिकली क्या करते हैं। फ्रेंड्स जिसे मैंने आपको बताया फिजिकली वो बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं, स्लगिस होते हैं, लेजी, उनको हम लेजी बम कह सकते हैं। वो हार्डली वर्क करते हैं, अवॉइड एक्टिव लाइफ। जैसे मैंने आपको सैंग्विन टेम्परामेंट में बताया थे कि वो बहुत ही ज्यादा चेयरफुल पर्सन होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, एक्टिव होते हैं, जॉयफुल नेचर वाले पर्सन होते हैं। एग्जैक्ट ऑपोजिट फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट वाले पर्सन होते हैं, उनको हार्ड वर्क करना या उनको कुछ भी काम करना, एक्टिव रहना उनको पसंद नहीं है, वो बस पूरी तरह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल वो जीते हैं। प्रीफर स्टेइंग एट होम, हार्डली मिक्स अप विद द अदर्स, वो बहुत ही ज्यादा मिक्स नहीं होते। जैसे मैंने आपको बताया था सैंग्विन टेम्परामेंट वाले पर्सन बहुत ही ज्यादा सोशली फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही जल्दी लोगों के साथ मिक्स हो जाते हैं, उनके नंबर ऑफ फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, राइट, उससे अपोजिट है ये, हार्डली मिक्स विद द पीपल, बिकॉज वो बाहर जाते ही नहीं, उनको बाहर जाना पसंद ही नहीं, उनको गेम खेलना, बाहर जाके आउटडोर गेम्स खेलना या कुछ एक्टिविटी करना उनको जरा भी पसंद नहीं होता। फ्रेंड्स Only watch other children's play, right? जो भी बच्चे होते हैं जो खेल रहे तो उनको वो वॉच करते हैं, वो देखते हैं, बट वहां पे जाके उनको खेलना या कूदना और एक्टिव कोई फिजिकल एक्टिविटी करना उनको जरा भी पसंद नहीं होता। फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि उनको मेंटल वर्क, मेंटल एक्टिविटी से भी बहुत ही ज्यादा एग्रावेशन होता है, उसी तरह से फिजिकल एक्टिविटी से भी वो बहुत ही ज्यादा एग्रावेट हो जाते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता कुछ भी एक्टिव फिजिकल वर्क करना। Can stay at one place for hours together. वो एक ही जगह पर पड़े रहते हैं, पूरी तरह से sedentary lifestyle जीते हैं, right? वो एक जगह पर बहुत ज्यादा घंटे तक बैठ सकते हैं, totally inactive. Description आपने Materia Medica में देखा है? जी हाँ friends, phlegmatic temperament की जो prime और important medicine है वो है कैल्केरिया का। Friends जब भी आप कैल्केरिया का Materia Medica में से पढ़ेगा तो आपको एक वर्ड मिलेगा फ्लेगमेटिक,
टेम्परामेंट। तो फ्रेंड्स फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट की ये क्वालिटीज होती है जो क्राइटेरिया के आप में बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंटली मिलती है, राइट। और फ्रेंड्स एक और मेडिसिन है जो फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बराइटा का। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया मेंटल एटीट्यूड कैसा होता है फ्लेगमेटिक पर्सन का, वैसे ही बराइटा काप में आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स ये वीडियो फिनिश होने के बाद आप कैल्केरिया काप और बराइटा काप जरूर पढ़िएगा अपनी मटेरिया मेडिका में से, आपको पता चलेगा कि ये फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट कितना ज्यादा प्रोमिनेंट है कैल्केरिया काप और बराइटा काप पर्सनैलिटी में। नेक्स्ट, डू नॉट हैव एनी टारगेट इन द लाइन। फ्रेंड्स ये टोटली ऑपोजिट होते हैं कोलेरिक टेम्परामेंट से। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि कोलेरिक टेम्परामेंट वाले जो पर्सन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा थिंग्स लाइफ में अचीव करनी होती है, बहुत ज्यादा गोल होते हैं, गोल को अचीव करना होता है, वो बहुत ही ज्यादा वर्कोहोलिक होते हैं, राइट। उससे टोटली ऑपोजिट होते हैं फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट वाले पर्सन। डू नॉट हैव एनी टारगेट इन द लाइफ, उनको कुछ करना ही नहीं, वो बस लेजी बम की तरह एक जगह पे पड़े होते हैं, हैप्पी विथ व्हाट दे हैव, राइट। फ्रेंड्स जैसे कोलेरिक टेम्परामेंट वाला पर्सन होगा तो क्या बोलेगा कि मेरे को ये चाहिए लाइफ में, ये गोल अचीव करना है, ये गोल अचीव करना है, राइट। वो वर्क करेगा गोल अचीव करने के लिए और उनको वो कंटेंटेड नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि वो कोलेरिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जो होती है वो कभी भी कंटेंटेड नहीं होती, डिससेटिस्फाइड होती है, बिकॉज उनको ये चाहिए लाइफ में, उसके बाद ये चाहिए, उनके टारगेट होते हैं, गोल होते हैं और इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा वर्क करते हैं, हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं। बट फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट वाला पर्सन बोलते हैं कि जो भी मेरे पास है बस मैं उससे खुश हूँ, मैं उससे हैप्पी हूँ, मुझे कोई गोल नहीं अचीव करना लाइफ में, मुझे कुछ काम नहीं करना, राइट। बस लेजी है, पड़े हुए हैं, इतनी ज्यादा स्लगिसनेस इसमें देखने को मिलती है बोथ लेवल, मेंटल लेवल और फिजिकल लेवल। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि उनको आउटडोर गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और इंटेलेक्चुअल गेम लाइक चेस में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने पड़ता है, वो ऐसे भी गेम और ऐसा भी वर्क उनको पसंद नहीं है, एग्रावेटेड बाय इंटेलेक्चुअल वर्क और फिजिकल वर्क बोथ। मैंने आपको बताया कि जो फ्लेगमेटिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी होती है एट अ बोथ लेवल दे आर वेरी स्लगिश और वेरी मच स्लो और लेजी, तो इसीलिए उनके जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो भी बहुत ही ज्यादा ओबेस, टिमिड। टिमिड मींस कि वो बहुत ही ज्यादा शर्मीले टाइप के पर्सन होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ मिक्स नहीं हो पाते, डल लुकिंग और ओबेस होती है, बिकॉज वो फिजिकली एक्टिव नहीं है, मेंटली एक्टिव नहीं है, तो और सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते तो उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत ही ज्यादा ओबेस और डल लुकिंग पर्सनालिटी होती है, लुक वेरी सेटिस्फाइड। फ्रेंड्स उनको देखकर वो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है, उनको कोई काम करना ही नहीं, वो जो भी है उससे सेटिस्फाइड है बस, और कुछ लाइफ में चाहिए ही नहीं, कंफर्ट जोन में वो रहते हैं, उनको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, उस कंफर्ट जोन के बाहर जाके उनको कोई भी वर्क करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। नॉट बिलीव इन द हार्ड वर्क, फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा लेजी और एग्रावेटेड बाय हार्ड वर्क होते हैं। फ्रेंड्स नॉट बिलीव इन द हार्ड वर्क, फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ज्यादा लेजी, स्लगिश और स्लो पर्सनल। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कितनी ज्यादा यूजफुल हुई और इन्फॉर्मेटिव लगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे विद होम्योपैथी। थैंक यू फ्रेंड्स।